आप देख सकते हो और कैरम आप देख सकते हो जो हमेशा से चीटिंग करते हैं वो ही चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पचास है वो मेरे अब जनाब लेके आ गए एक चीज। क्या लेके आए हैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत बोर हो चुके थे बहुत ज्यादा, तो हमने डिसाइड किया कि लॉकडाउन है लेकिन बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, फाइनली आज लेके आ गए। तो आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेके आए हैं। तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि तो ये लेके आए हैं कैरम, और इस कैरम पे हमेशा ये हारने वाले हैं, सिर्फ मैं जीतने वाली हूँ। ठीक है, वाह यार, अभी नहीं लग, अभी सैनिटाइज कर लिया। अच्छा, सैनिटाइज ऑलरेडी कर लिया है। और इन गोटियों को ना मैं उसमें रखूंगी। जानो पहले हमारे टाइम पे तो बहुत गोटी आती थी, अब इतनी कम क्यों? कम 11-11 होती हैं? नहीं 11 ही होती हैं, मुझे ऐसा याद है कि बहुत होती थी। नहीं 11 होती। कितने सालों बाद मैं खेलूंगी यार। लक्ष्य कितना एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा। पाउडर पूरा खत्म कर दोगे यार? अपना वाला नहीं, वो दूसरा वाला। पॉन्ड्स ले आना, उसको मैं यूज नहीं कर रही आजकल। है क्या पॉन्ड्स घर में? पता नहीं, नाइस हर चीज उतने ही काउंट से आई है, लेकिन एक चीज है जो औकात से ज्यादा आई है, वो है क्यून। क्यों? लेडीज की चलती है ना इसलिए। तो आप अपने लिए लाए हो क्यून एक और? नहीं आपके लिए। जाना जी, दोनों क्यून मेरी है। ठीक है, स्टैकर सही नहीं मिला बस। अरे यार चलो कोई नहीं, अब हम इस पर टाइम पास कर लेंगे कुछ कुछ समय, क्योंकि हम बहुत बोर हो जाते थे और ये ना हमेशा उसमें लगे रहते थे सीरीज देखने में। लक्ष्य का भी थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और लक्ष्य बहुत हैप्पी है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है पाउडर की। पागल ऐसे नहीं करते, जानते भी है कुछ करना। पर महंगा आया है, इतना पक्का। कितने का आया है? मुझे तो लग 600 का आया। क्या बात कर रहे हो, हमारे टाइम पे 100 रुपए, 110 रुपए का आता था। 110 रुपए का। मैं सारे सेक्टरों में घूम गया है, कहीं कोई दुकान नहीं खुली थी, वो यहीं खुली थी, वो भी उसने अभी खोली है और वो महंगा ही दे रहा है। वो फायदा उठा लिया जानू, पता है क्या तुम्हें? पता है नहीं तो हमारे टाइम पे 110 रुपए का आता था। हमारे ऑफिसों में रहता है ना इतना बड़ा, 800 रुपए का। कोई बात नहीं, कोई बात। चलो अब हम थोड़ा सा खेलते हैं, उसके बाद मैं किचन में लगूंगी। मैं जीत चुकी हूँ। ये मैच का आखिरी पॉइंट, और ये मम्मी जीत गई। इसको ले लो। हैं? क्या? इसको डाल दोगे तब है ये तुम्हारी। मम्मा आप तो हारोगी आज। कैसे हार जाऊंगी? पापा की होगी आज। नहीं, मैंने किताब पढ़ी थी कैरम की। क्यों ना, किसने कही? नहीं मान सकते। किसने कही? हम नियम है, बिल्कुल गलत नियम है, सही है। मैं क्या नहीं, वो उनकी है, पापा की। दो पापा को। पापा जीत गए, पापा जीत गए। मेरी कम है पैसे। तुम्हारी है 70, 140, 180 और 60 मेरी। देखो मेरी 90। आज कैरम आया है और आज ही मैं जीत गई हूँ। नहीं आप नहीं जीती। मेरे पास 200 है और मैं जीत चुकी हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और कैरम आप देख सकते हो जो हमेशा से चीटिंग करते हैं वो ही चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पचास है वो मेरे हैं। अब गिन लो इनके जितने भी हैं। 140 पता नजर लगी है इन्होंने, नजर लगाई है मेरे। देखो बल्कि सबसे पहले मैं निकल रही थी आगे, पर इन्होंने नजर लगाई। जानो आपने नजर लगाई है मुझे। कैसे हम नहीं खेलेंगे? तुम चीटिंग करते हो, मैं नहीं खेलूंगी। तो भाई मैं हार चुकी हूँ और मैं अपना सा मुंह लेके किचन में आ गई हूँ। और अब बना रही हूँ सूजी का हलवा, और लक्ष्य और उसके पापा दोनों खेल रहे हैं कैरम।
तो मैंने ये सूजी निकाल ली है, ज्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये फूल के बहुत ज्यादा हो जाती है और हम तीन ही लोग हैं। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं जिनको अभी ये निकाल लूंगी, इसको बाद में डालूंगी किशमिश को। और ये सारी चीजें अभी मैं घी में तल लूंगी पहले, उसके बाद इसमें मैं ये डाल दूंगी। ये मैंने निकाल लिया है मसाला इसमें पकौड़ी में डालने के लिए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू प्याज की पकौड़ी, सूजी का हलवा एंड चिप्स। चिप्स और सूजी का हलवा मेरी फेवरेट है, पकौड़ी जनाब की फेवरेट है, तो वो पकौड़ी और ये खाएंगे, थोड़े बहुत चिप्स ले लेंगे। देखो क्या करते, तो मैं तीनों चीजें बना लेती हूँ झट से, तो बस मैं तैयारियों में लग जाती हूँ क्योंकि मुझे जोरों की लगी है भूख। तो आज मैं सूजी का हलवा कुछ अलग टाइप से बना रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बताया था कि इस टाइप से बना। तो इस वजह से पहले मैं अलग बनाती थी, वो भी बहुत अच्छा बनता था टेस्टी, बट मैं सोच रही जब उसने बोला है तो ट्राई करने में क्या जा रहा है बनाते हैं। तो उसने मुझसे बोला था पहले मैं क्या करती थी कि सूजी को भूनने के बाद उसमें डायरेक्ट पानी डालती थी, उसके बाद हम लोग चीनी डालते थे। तो अभी उसने बोला है कि जो पानी आप अपन डालते हैं ना, वो पानी में ही चीनी डाल दो और उस चीनी वाले पानी को इसमें डाल दो भुनने के बाद। तो देखते हैं इसको भी ट्राई करके और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, और आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग किस टाइप से बनाते हो सूजी का हलवा। क्योंकि देखो हम यहाँ पे आ रहे हैं यूट्यूब पर, तो कुछ चीजें आपको हमसे सीखने को मिलेंगी, कुछ चीजें हम लोगों को आप लोगों से सीखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए अच्छा प्लेटफॉर्म है यार यूट्यूब, है ना। तो आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आप सूजी का हलवा कैसे बनाते हो। मैं पहले मैं ना खीर बहुत बनाती थी, अभी खीर काफी टाइम से नहीं बनाती हूँ। एक तो भैंस का दूध मजा नहीं आता, भैंस के दूध के बना तो ये समझो कि दूध ऐसा लगता है कि दूध हम खा ही नहीं रहे हैं, कुछ पूछो मत। तो अभी इसमें चीनी घुल रही है थोड़ी सी, मैंने चीनी डाल थोड़ी क्या जितनी हम चीनी डालते हैं सूजी के हलवे में क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो उतनी चीनी मैंने ले ली है। और जब भी सूजी का हलवा बनाते हैं ना, तो एक सेकंड के लिए भी अपन को बिल्कुल भी रुकना नहीं है, चलाते रहना वरना वो जल जाएगा। देख सकते हो थोड़ा हल्का ब्राउन हुआ है, ज्यादा थोड़ा और ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें डाल दूंगी जो चीनी वाला पानी है। लास्ट में डाल देते हैं ड्राई फ्रूट, बहुत ईजी है लेकिन सूजी का हलवा बहुत ईजी है लेकिन भुनना सही भुनना चाहिए तो बहुत टेस्टी बनता है, जलना नहीं चाहिए। पहले मुझे आता नहीं था बनाना, झूठ क्यों बोलूं, मम्मी के यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं किया मायके में, एक पानी का गिलास भी नहीं उठाया, और ससुराल में ही आके सब कुछ किया तो बस नहीं आता था, लेकिन समय के रहते सब सीख जाते हैं। और आज देखो ऐसी क्या चीज है जो हमें बनाना नहीं आता, ऐसा ही चलिए बना लेते हैं झटपट से। तो अभी मैंने जो चीनी का पानी बनाया हुआ था वो डाल दिया है सूजी में, जो भुना हुआ सूजी था उसमें, और अभी इसमें उबाल आ रहा है अच्छे से, बस बनके तैयार होने वाला है कुछ समय बाद। और मैं ये ड्राई फ्रूट्स टुकड़े कर लिए हैं और इनको बाद में डाल दूंगी, और इसमें मैंने किशमिश ऑलरेडी डाल दी है। तो हमारा हलवा बनके हो चुका है तैयार, इसमें हम डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स और इसको हम मिक्स कर देते हैं और इसको हम रख देते हैं जब तक हम बना लेते हैं पकौड़ी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं, फिर ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ मैं आलू कट कर रही हूँ, ये प्याज कट कर लूंगी, और मैं ना प्लेटफॉर्म पर ही कट करती हूँ एकदम क्लीन करके, मुझे आदत है प्लेटफॉर्म पर ही कट करने की। तो यहाँ पे मैंने आलू और प्याज कट कर लिए, पहले मैं खड़े खड़े प्याज कट करती थी, अभी मैं छोटे छोटे कट करती हूँ, खड़े ही आलू करती थी, अभी एकदम बारीक करती हूँ क्योंकि फिर पकौड़ी जब मुझे छोटी छोटी बनानी होती है। और तो चलिए बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं चिप्स भी निकाल के लेके आ गई हूँ, तो थोड़े से चिप्स बनाऊंगी। और ये कढ़ाई भी मैंने साफ कर ली, मैं लोहे की कढ़ाई में बनाना मुझे काफी अच्छा लगता है। और तो चलिए पहले मैं बना लूंगी चिप्स, उसके बाद बना लूंगी पकौड़ी। तो पहले पकौड़ी का घोल बना लेती हूँ मैं, तो बस अभी मैं बना रही हूँ घोल पकौड़ियों का। तो इसमें सारी चीजें मिक्स कर लूंगी, देख सकते हो आप जो कि मैंने सारी चीजें ली हुई थी वो सारी चीजें, और ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तो वो निकल रहा है जब तक, और उसमें मैं एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो भी डाल दूंगी, जो मेरा बचा हुआ रखा रहता है ना पकौड़ियों वाला वो भी डाल दूंगी। और किचन के काम ना कभी भी खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। बात सुनो, किचन के काम की बात बताओ, ये पकौड़ियों के डो को तुम घोल बोल रही हो? डो उसको बोलते हैं टाइट होता है, जैसे आटा या कोई चीज का वैसा बनाते हैं वो डो होता है, ये बैटर बोलती हो तो इसमें मैंने मिक्स घोल क्यों बोल रही हो? अब मुझे नहीं पता, सब बोलते हैं तो मैं बोलती हूं। वो अंग्रेजी और हिंदी सब मेरे लिए है। जानू क्या आप मेरी बातों को क्यों पकड़ते हो? जानू मैं नहीं किसी की मानू, मैं मानती तो हूँ आपकी। कहाँ मान रही हो?
मानती हूँ। तो इससे पहले वाले ब्लॉग में हमको कमेंट मिला है कल्पना पवार जी का, जो कि बहुत ही अच्छा वंडरफुल कमेंट है। और ऐसे ऐसे कमेंट करके हमको ना थोड़ा हौसला मिलता है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज की दुनिया में निगेटिविटी और नकारात्मकता इतनी भरी हुई है कि लोग पता नहीं क्या क्या मैसेज करते हैं, कैसी कैसी स्थिति आप देख रहे हो, मतलब वो गंदगी ही देखते हैं। अगर मतलब वो ब्लॉग में ऐसा देखना चाहते हैं कि इसमें क्या गलत चीज है, अगर नहीं भी होगी तो निकालना चाहते हैं, अच्छा ही है, नहीं देखते हैं वो। मैं ब्लॉग की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने आसपास इतनी सारी नेगेटिविटी है तो ऐसे कमेंट्स देख के थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो ऐसे ऐसे कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच कल्पना पवार जी वंस अगेन। तो बस अभी मैं पकौड़ियों के घोल में डाल रही हूँ यहाँ पे हरी मिर्ची और धनिया पत्ती, क्योंकि इसे स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। पहले लग छोटा था ना जब हरी मिर्ची नहीं खाता था, लेकिन अभी खा लेता है। और इसमें आप पालक भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ पालक नहीं था। पालक डाल के बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। पालक डाल के हरी चटनी और मूली के साथ खाओ, वाह वाह मजा आ जाता है। उसके बाद तो मैं अभी इसको हाथ से डाल रही हूँ, क्योंकि मूली के साथ खाओ बकवास नहीं, मूली के बाद फाल्ट जो मारते हैं ना लोग। एक पता नहीं न्यूज फेक है क्या है, मैंने सुना है कि मंगोड़े में फाल्ट मार दिया था डॉक्टर, तो उसकी दम घुटने से मतलब उसका डेथ हो गई उसकी। इतना जहरीला भी होता है क्या किसी का? चुप रहो, ठीक है। खाने के टाइम पे ऐसी बात करवा रही हो यार, मैं करवा रही हूँ, आप कर रहे हो। तो मेरी पकौड़ियाँ देख सकते हो आप, बन के तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हम जनाब के लिए दे देते हैं पकौड़ियाँ, कि फर्स्ट में लक्ष्य या वो खाते हैं। तो आज लक्ष्य को नहीं दे रही क्योंकि लक्ष्य का भी पेट भरा हुआ है, थोड़ी देर बाद लक्ष्य खाएगा। तो अभी मैं दे देती हूँ जनाब, क्योंकि अभी वो ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो जब ऑफिस का कोई काम करता है, कोई भी कुछ भी काम करता है, उसको अगर ऐसे खाने मिल जाए तो मजा ही आ जाए भाई। तो चलिए उनको दे के आते हैं हम लोग, वो टेस्ट करके बताएंगे। और आपको उनका पता है कि वो कहाँ बैठे रहते हैं। जानो कैसा फील हो रहा है? कैसा हो रहा है, बस खाने को मन कर रहा है, बारिश हो रही है, बहुत दिनों से बारिश हो रही थी। तो आज मैंने सोचा फाइनली पहले पकौड़ी टेस्ट करके सारी चीज मुझे जस्ट अभी टेस्ट करके बताओ थोड़ा थोड़ा कि कैसा बना है सब कुछ। बढ़िया है, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, कितना है सच में? वाओ, और ये बंदा ना आज भी थैंक यू नहीं बोलेगा मुझे। बंदा नहीं बोलना, हाँ जानू आप मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे आज? और ये बोलो, और तुम क्या बोलते, मैं बना के नहीं खिलाती तुम्हें? कैसी कैसी चीजें बना के खिलाती हूँ जानू मैं तुम्हें? मस्त पलटे क्रीम की चने। लक्ष्य को मौका मिल गया मम्मी की तारीफ करने का, जिसे डांटना पड़े। देख सकते हो भाई, वर्क फ्रॉम होम के फायदे, ऐसे बैठ के खाते हैं है? चलो तो मैं अभी और बना लेती हूँ। एक बार भी जानू मुझसे नहीं बोला कि डार्लिंग तुम कितना परेशान हो रही है, खा लो। जो बना रहा है उससे क्या पूछना भैया, रसोई तो तुम्हारे हाथ में ही है। पर अच्छा फील हो जाता है ना अंदर से, किसी देखो हमें किसी अच्छा फील में कहां से लाऊं। तो बस इन लोगों ने खा लिया है, बस मैं खाने जा रही हूँ। मैंने भी लगा ली है अपनी प्लेट, मैं खा लेती हूँ जल्दी से। दोस्तों जस्ट अभी मैंने खा लिया है सूजी का हलवा और पकौड़ी और चिप्स, और बैठे बैठे मैं खा रही थी, फोन चला रही थी, तो थोड़ा लेट हो गई। तो बस मेरा पैर सो गया है तो उसमें दर्द हो रहा था, तो मैं यही कालीन पे बैठ के खा रही थी, कालीन पे ही लेट गई क्योंकि मेरा दर्द हो रहा था। पैर में, पैर जब सो जाता है ना तो कितना तेज दर्द होता है, बहुत ज्यादा। तो बस मैं सोच रही थी कि आज की वीडियो का हम यहीं पे एंड कर देते हैं। उससे पहले मुझे एक चीज याद आ गई, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो हाँ, एक बात क्या याद आया, कैरम बोर्ड आया है आज, तो उसे लेकर मुझे याद आ गया कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो मैं मॉनिटर थी क्लास की। तो हुआ क्या कि तो हमारे सर है ना, उन्होंने बोला था कि जो मॉनिटर होगा ना, एक गर्ल्स में था एक बॉयज में मॉनिटर था, तो गर्ल्स में मैं थी, बॉयज में कोई और था। तो गर्ल्स का जो फाइन है ना, वो गर्ल्स लेगी, यानी कि मैं लेती थी। जो स्कूल नहीं आएगा ना, तो शायद 2 रुपए फाइन था एक दिन का, या 5 रुपए ऐसे ही था। तो इकट्ठे करके डायरी में लिखते थे कि उस दिन ये नहीं आया और उसने ये फाइन दे दिया। वो बराबर फाइन देते थे, जो नहीं आता था वो फाइन देता था स्कूल में। तो फाइन का जो पैसा इकट्ठा होता था ना, वो सारे पैसे से हम कैरम बोर्ड लेके आते थे, बैडमिंटन लेके आते थे, मुझे सही से याद है। और वो सारी चीजें मेरे पास ही रहती थी।
मतलब जिस दिन खेलते थे उस दिन हम लेके जाते थे, वो मेरे पास ही रहती थी। तो मेरी स्कूल फ्रेंड अगर वीडियो देख रही हो तो कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को याद है या नहीं है। मुझे तो अच्छे से याद है, आज कैरम बोर्ड आया तो मुझे याद आ गया। और जैसे हम खेलते थे कैरम बोर्ड, जनाब कुछ अलग ही तरीके से खेल रहे हैं, अब उनको ज्यादा बेटर पता होगा, हो सकता है मुझे नहीं पता होगा, और क्योंकि काफी टाइम बाद आज मैंने खेला है इसलिए। और तो काम ज्यादा हो गया था, फिर लक्ष्य और ये खेलने लगे थे और मैं किचन में काम करने लगी थी। इनके बालों पर आज क्या है पता है? वैसे बोलते हैं ना इंसान के पास पैसा आता है तो उसके बाल उसके बाल उड़ जाते हैं। इसका मतलब या तो ये है कि हम गरीब हो रहे हैं इसलिए इनके बाल उड़ नहीं रहे हैं, या फिर इसका राज है मैं बीबी, क्योंकि मैं सही कहा है वैसे पहले वालों में बाल उड़ जाते हैं। इनके उड़ गए हैं। नहीं मेरे मेरे तो हमेशा से पतले हेयर है, मतलब ज्यादा मोटे नहीं है, बट इनके तो उड़े उड़ाए थे, अब हम आ गए, मेरे इतनी केयर करी इनके बाल में, खाद बीज डाला है। फिर भी लोग बोलते भैया पे बहुत काम करवाते हो, भैया मुझे जीना, मतलब मैं तो वीडियो बनाती हूँ तो हर चीज की बना लेती हूँ जो मुझे दिखाना होता है। अब भैया भैया तो बना नहीं सकते, अब भैया जो करते हैं मेरे साथ वो थोड़ी बनाएंगे भैया, है ना? ये करते हैं भैया जो मेरे से करवाते हैं या मेरे से जो बोलते हैं, पता है हम तो इनकी मसाज कर रहे हैं और मुझे मम्मी की याद आ जाती है, मम्मी ऐसे करती थी मेरी मसाज। तेल तो ले लो, तेल है पता है, अगर अगर मैं इन पे करवा लूंगी ना तो ये तो भैया पूरे दिन निकाल लेंगे। आज मैंने ये तेल मेरे सिर पे लगा कम से कम एक डेढ़ साल बाद, एक साल बाद बिल्कुल झूठी बात, मैंने तेल लगाया ही नहीं। अब आप इधर देखो, सच सच बोलो जानू, मतलब रेगुलर तेल मैं नहीं डालता, बस ऐसे ही डलता हूँ। ये डालते ही नहीं है, कल शैम्पू करूंगा बस तभी डलता है, ये नहीं वैसे तेल नहीं डालता नहाने के बाद। ये क्या बोलेगी डेढ़ साल बाद, मैं नहीं करती आपकी मालिश, बोलो करो, नहीं बोलो मैं करती हूँ कि नहीं करती हूँ। जरूरत है श्रीमती की, घिसावंडी की जरूरत है। एक गाना हमने बनाया था लेकिन आप लोगों को सुना नहीं पाए, जब भावना आती ना तब जान सुनाओ, याद है आपको? रोली में घूमी घूमी अब वो हम सोच रहे हैं उस सॉन्ग को इनके चैनल पे गाएं, है ना जान? मेरे चैनल को एक्चुअली ना सर्टिफिकेट नहीं मिला है सेंसर बोर्ड से, इसलिए लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना थोड़ा कोविड के चक्कर में बिजी है तो मेरे रजिस्ट्रेशन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। वो कहते हैं ना बातें बनाना, ये बातें ही बना रहे हैं, कुछ है तो नहीं, अब बता तो सकते नहीं। चैनल तो बना ही लिया तो बातें बना लो, तो अब बस अभी अब हम मिलते हैं आपसे जानो कल कल मिलते हैं, थोड़ा इनकी सेवा पानी करते भाई, दबाना तो पड़ेगा। पर्दे के पीछे का सीन कैसे दिखाएं यार, पर्दे के पीछे का सीन हम दिखा नहीं सकते। हो गई बताओ तो सही मास्टर साहब, हो गई तो चलो भैया मिलते हैं कल कोई और मालिक के साथ, आपके मालिक के साथ।